बकलोल इधर आ गया बाइक वाले लेन लेन में। अच्छा जीजे ना, हाँ हक है भाई तुमको, तुमको हक है, गुजरात वाली गाड़ी कुछ भी कर सकती है। सर आज देखिए तो हेल्प कर रहे हैं, और थोड़ा 10-15 रुपए का जेब में भी डाल दो, आगे महंगा होने वाला है। आखिरी बार ये रूम देख लो, छोटा सा रूम, छोटा सा वॉशरूम, 800 रुपए में और क्या लोगे, सब सामान हो गया। So, आज राइड का लास्ट दिन है, आज जाना है घर, अहमदाबाद से घर 500 किलोमीटर, 6:15 6:30 तक सब लगेज वगैरह माउंट करके हो जाएगा, निकल जाएंगे 500 किलोमीटर के लिए, दिखा रहा है 9 आवर्स, देखते हैं। So, निकला जा रहा है यहाँ से, क्या गर्मी है यार इधर, जैसे जैसे मुंबई साइड जाएंगे गर्मी लगने वाली है। जय बजरंग बली, एकदम रेसिडेंस प्लेस पे हमारा होटल था, फुल शांति नगर वाली फीलिंग आ रही थी। सो आज है संडे, काफी राइडर्स भी हम लोग को मिलेंगे रास्ते में। जाओ जाओ जाओ, एक काम करो सब लोग एक साथ आ जाओ, एक सेकंड पहले मेरा, मैं आगे चलूं, मेरे सारे फ्रेंड्स लोग आगे हैं, ठीक है, चलो ध्यान दो। बच्चे लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि हम लोग सिर्फ संडे इस रोड पे आते हैं बाइकर्स लोग को देखने के लिए, बट कोई रुकता नहीं, मतलब भाई हम रुक गए, ले लो फोटो। धुंध सा लग रहा है बट ठंडी नहीं है बिल्कुल, मतलब किधर अलग ही गायब है, मैं किधर अलग ही हूँ, ठीक है रहने दो, सोलो समझ के चलेंगे। लगा दे GPS, घर जाना है सीधे सीधे। बहुत ही प्यारा सनराइज हो रहा है यार, बहुत प्यारा, मतलब आधा सन बाहर निकला अभी आधा अंदर ही है, बट वो लाइट से मस्त है, ऐसा पूरा रेनबो के ऐसा पूरा वहाँ पे ऑरेंज हो गया, उतना अद्भुत नजारा। मुंबई 523 भाई, हमको खाली 500 ही जाने का है, 500 भी नहीं, अभी तो हमको सिर्फ 483 ही जाने का है। ये होता है सुबह सुबह जल्दी निकलने का फायदा, सिटी में भी गाड़ियाँ ज्यादा आती नहीं, हम आराम से सिटी क्रॉस कर जाते हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैं सनराइज देख के रहूंगा, क्या मस्त लग रहा है यार, पूरा फॉग फॉग हो रखा है, देखो खाली सूरज वहां से दिख रहे हैं, सूरज देवता वहां से दिख रहे हैं, देखो इस तरफ भी, भाई साहब लोग 25-30 किलोमीटर पीछे मेरे आएंगे भगा भगा के, मैं तो आराम से चल रहा हूँ 80 पे, बट मेरे को एक फंडा समझ में नहीं आ रहा, मेरा स्पीडोमीटर 80 दिखा रहा है, ठीक है मैं 80 पे चल रहा हूँ और मैप पे दिखा रहा है 68, अब ये खराब है या वो खराब है मालूम नहीं। आनंद आया, आनंद आया, ये रोड पे बाइक चलाने का आनंद तो आ ही रहा है, मैं एरिया का नाम ले रहा हूँ, आनंद आ गया। ओ भाई कोई तो रिवर है, नीचे पानी ही नहीं दिख रहा है, इतना फॉग है। अब यहाँ पे लेते हैं फ्यूल ब्रेक, सुसु ब्रेक और टी ब्रेक। 94 फुल कर दो भैया, मैंने मेरा लोकेशन दे दिया, अभी वो लोग है शायद 15-20 किलोमीटर कुछ दूर है, ऑर्डर कर दिया आलू पराठा खाएंगे यार सुबह सुबह और कॉफी पियेंगे, जब तक वो लोग आएंगे तब तक मेरा खा के हो चुका होगा। हो गया ब्रेकफास्ट, टाइम 9:37, ठीक है आराम से जाएंगे, अब 5-6 बजे पहुंचे चलेगा। सूरत इधर से 120 किलोमीटर, कोई सिग्नल नहीं कुछ नहीं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, देखो अभी ये बंदा किधर से आ रहा है, देखो खाली हाथ दिखा रहा है, नहीं सिग्नल चालू किया, क्या गंदा गाड़ी चलाता है यार ये लोग, गुजरात की गाड़ी मुंबई में भी, गुजरात की गाड़ी राजस्थान में, और गुजरात की गाड़ी पूरी इंडिया में कहीं पे भी दिखता हूँ ना, देखता हूँ ना तो लंबा ही रहता हूँ, पता नहीं लाइसेंस कैसे मिल जाता है। बाइक वाले तो लेफ्ट राइट जाना तो ऐसा करते, लेफ्ट ऐसा लेफ्ट का पैर करते मतलब लेफ्ट जाने का। अरे भाई हाथ के बगल में सिग्नल लाइट है, वो दो इंडिकेटर दो। बाप रे बाप, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर में आ चुका हूँ, ये जाम लगा हुआ है खत्म ही नहीं हो रहा है, गाड़ियों की लाइन लगी है, इसे यहाँ से रॉन्ग साइड से काफी लोग आ रहे हैं। पूरा जाम कर दिए। अरे कब खत्म होगा, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का जाम है ये। भरूच आ गए हम लोग, और ये ओल्ड वाला ब्रिज है इसलिए बहुत ज्यादा इस पे जंपिंग है, न्यू वाले ब्रिज पे तो भाई पूरा ट्रक ट्रक लगी हुई है। टीवीएस वाला बंदा भावेश बहुत ज्यादा पीछे रह गए, उसको ट्रैफिक में जमता नहीं है शायद, ट्रक वाले इज लाइक अपुनिज भगवान है, ऐसा पूरा रोड पूरा कवर कर दिया है लोग ने। शी यार
देखो एक पगलंटा पकलोल इधर आ गया बाइक वाले लेन लेन में। अच्छा जीजे ना, हाँ हक है भाई तुमको, तुमको हक है, गुजरात वाली गाड़ी कुछ भी कर सकती है। ये बजाज डोमिनर और ये क्लासिक, क्लासिक नहीं हाथी, कोई सोच भी नहीं सकता साथ में इतना ये लोग ने राइड किया होगा। एड क्या क्या बनाते हैं भाई, हाथी मत पालो ये वो। और देखो हम लोगों ने ना जाने कितने सारे संडे राइड महाराष्ट्र में, नासिक शिरडी टपोला महाबलेश्वर ये सब करते हुए, सिक्किम भूटान राजस्थान इतनी सारी राइड हम लोगों ने साथ में की। ना कभी मुझे ऐसा लगा कि भाई वो बहुत बहुत तेज चल रहा है, उसको लगा कि भाई मैं मेरे साथ में उसको नहीं जम रहा है। वाह भाई रे, अभी ऐसा लग रहा है जैकेट टिकट निकाल के फिर भी इतना गर्म लग रहा है। हाँ निकालना पड़ेगा। आप उन्हें साथ में कितना राइड की है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के बाहर, सिक्किम भूटान सब किए? ऑनेस्टली बता सर, कभी ऐसा लगा कि यार डोमिनर लेके क्लासिक वाले के फिर चल रहा हूँ? कभी ऐसा कुछ फील हुआ? ऐसा फील होता था कि आखिर क्या है इसकी इंजन। अच्छा उसको कोई अपग्रेड नहीं किया हम लोग साथ में राइडिंग सोलो ही होता है। डोमिनर और जैसे क्या होते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ऐसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वैसे डोमिनर और क्लासिक को हमेशा कंपेयर करते हैं। अब इसलिए डोमिनर राइडर साथ में इसके एक्सपीरियंस देख लो क्या बोल रहा है। चलाने पे हाँ प्रशांत होता तो फिर। सूरत पहुंच गए, 12 बज रहा है। सूरत के ट्रैफिक ने बैंड बजा दिया यार, गन्ने का जूस पी रहे। तो दोस्तों आ गए हम लोग वापी और टाइम हो रहा कुछ 3, अब लंच कर लिया जाए, और ना अभी लंच नहीं करेंगे तो फिर सीधा घर पे ही खाना खाएंगे। तो पूछता हूँ इन लोगों बंदे लोगों को लंच करना है क्या। वापी आ गए, फिर बॉर्डर आएगा उसके पहले फ्यूल टैंक फ्यूल करने गए। 15 रुपए का डिफरेंस है भाई, 15 रुपए का। 95.94 ऑटो कट करना। और थोड़े 10-15 रुपए का जेब में भी डाल दो, आगे महंगा होने वाला है। टायर कट जाएगा यार पंचर। एक काम करना, वो जो बोर्ड है ना उधर पंचर वाला है, उधर जा पंचर वाले को बोल भाई इधर गाड़ी खड़ी है और उसको लेके आ। फ्लैट है सर, आज देखे तो हेल्प कर रहे हैं। ये बस थोड़ा हवा भर जाए तो पंचर तक लेके जा सकते हैं। ये थोड़ा देर हवा रुकेगा क्या? देखते हैं, बड़ा पंचर होता है तो नहीं रुकेगा। वो पता नहीं, वो सामने है ना वही में, उधर तक जाएगा तो भी बहुत हो गया। अभी 2 मिनट पहले लास्ट फ्यूल पंप गया ना, वहाँ पे मैंने हवा भरवाया। अब उसने हवा भरा और तुरंत पंचर हो गया, क्या है क्या मानो। अहमदाबाद में अहमदाबाद में थोड़ा थोड़ा ठंडे था, उसमें सेट होता होगा ना कंप्रेसर वॉल में, वहीं से हो रहा है ना। वाह उसने भरा ना हवा तभी उसने कुछ किया। कैप भी नहीं है मेरे पास, तुम्हारा कैप लगा देता तो भी लीक होता ही। जी मैं वेलनेस कोच हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो हेल्थ के लिए मदद करता हूँ। जी जी जी, ये कार है, ये तो मेरा वर्कआउट ही हो रहा था अभी मैं धक्का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी जी मैं सामने दिखा लेता हूँ, मैं निकाल के सही कर। जी जी थैंक यू सर। महाराष्ट्र में एंटर कर लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पंचर नहीं था सिर्फ वॉल खराब हो गया था, लास्ट जहां मैंने हवा भरा था पेट्रोल पंप पे उसने ठीक से नहीं भरा। वो जब भर रहा था तभी मुझे डाउट आ रहा है क्या कर रहा है, और भाई साहब ने वॉल खराब कर दिया। खैर कोई नहीं, होते रहता है तो ट्रैवल पे। एक नया वॉल लगाया 50 रुपीज़ का, उसी में टाइम चला गया आधा घंटा। एक आरटीपीसीआर चेक कर रहे क्या एक गाड़ी का? ये तो RTO में टेस्ट करते हैं ना ड्राइविंग स्किल, वैसा बना दिया बॉर्डर तो। खोलो, अरे हाँ चाबी तो मेरे पास ही है। दिमाग की शॉर्ट कर दी ट्रैफिक ने। फाइनली
फाइनली होम। लास्ट का 150 किलोमीटर यहाँ बैंड बजा दी पूरा। फाउंटेन के यहाँ पे जाम, अपने एरिया के यहाँ पे नीचे पता नहीं कुछ तो मेला वगैरह लगा, उसका जाम, हालत खराब होगी। तो फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ नहा धो के रेस्ट करूंगा, कल से एडिटिंग करूंगा, नहीं कल से ऑफिस का काम करूंगा, टाइम निकाल के एडिट करूंगा। आप लोग बताइए आपको पूरा राजस्थान सीरीज आपको कैसा लगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरा, सारे वीडियोस देखना मुंबई से पूरा। हम माउंट आबू, जोधपुर, जैसलमेर सब एक्सप्लोर किया हमने। अब मुझे बोलने को भी ताकत नहीं लग रही है, तो वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन लिव फ्री, राइड हार्ड एंड ऑलवेज योर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। एसी किधर है? हाँ उधर है।